10 रुपए से कंटिन्यूसली मैं आपको बता रहा हूँ बाय करके रखना चाहिए। मैं शायद ना मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं TTML को लेके यहाँ पे 70 से 80 वीडियो बना चुका हूँ। हर एक वीडियो में एक ही बात बोलना स्टार्ट किया मैंने, भाई स्टॉक में रैली आ रही है, आपको रैली का यहाँ पे पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। बीच में आपको सेल आउट करके बिल्कुल भी नहीं जाना है, और साथ में आपको जो स्टॉप लॉस है वो भी आपको बिल्कुल यहाँ पे लगा के रखना चाहिए। तो कारण क्या होता है, ऐसे स्टॉक जब भागना स्टार्ट करते हैं वापस जब रिवर्स में आते हैं, जो कंपनी बड़े फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है वो अगर रिवर्स में आएगी ना तो भी आपको सामने बायर मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक में क्या होता है, जब स्टॉक वापस नीचे आता है, वापस जब रिवर्स में आता है, सामने आपको बायर नहीं मिलते, खरीदार नहीं मिलते। तो इसी प्रकार अगर आपने एक चीज देखी होगी भाई, 1 जनवरी से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है वो आपको होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है TTML के अंदर। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा, और आज के दिन आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है भाई। नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए उसके ऊपर आज हमारा वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन मैंने आपको हर बार एक बात बोली भाई, मार्च 2022 के आसपास उनका सुपर ऐप आने वाला है, तो सुपर ऐप भाई मार्केट के अंदर भाई तहलका बिल्कुल मचाएगा। जो कारण क्या है, ऑनलाइन ग्रोसरी, आज अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो ऑनलाइन जो हमारा ग्रोसरी का जो रेशियो निकल के आता है 3 से 5% जो ऑनलाइन ग्रोसरी रेशियो है वो आपको निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आने वाले जो हमारे मार्केट के जो एक्सपर्ट है जो उनका मानना है 3 से 4 साल के बाद जो ऑनलाइन जो ग्रोसरी का रेशियो है 30% से लेके 40% का जो रेशियो है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इसका भाई फायदा आपको जो टाटा का सुपर ऐप आने वाला है, टाटा कंज्यूमर जो इनका एक स्टॉक है उसके ऊपर आपको बिल्कुल यहाँ पे फोकस बना के रखना चाहिए। एक बात बताओ, आप अगर इंडियन शेयर मार्केट के अंदर आते हो, अगर आप 1 लाख रुपए लेके आते हो, आपकी थिंकिंग क्या होती है? आप 1 लाख को आपका मन माइंड के अंदर आता है भाई 1 लाख मेरे 5,000 बन जाए 10,000 बन जाए, बिल्कुल है ना। आप जब भी मार्केट के अंदर अपना फंड लेके आते हो आपके पॉजिटिव थिंकिंग आपके हमेशा होती है भाई, जो मेरा 1 लाख रुपए उसको मैं 5 लाख कैसे बनाऊँ, 5 लाख को मैं 25 लाख तक मैं उसको कैसे लेके जाऊँ, 25 लाख को मैं 1 करोड़ तक मैं कैसे मतलब वहाँ पे लेके जाऊँ। तो ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका फंड है, उसका 10 से 15% आपको बिल्कुल पैनिक स्टॉक में डालना चाहिए। तो कारण क्या है, TTML ने क्या किया, 15 महीने के अंदर ही आपके 1 लाख को बना दिया कितना, 80 लाख के आसपास, मतलब समथिंग भाई 1 लाख को 15 महीने में 1 करोड़ के आसपास बना दिया TTML ने। अगर आप अगर 1 साल पहले भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते ना तो भी आपका जो 1 लाख रुपए था वो यहाँ पे बन चुका था लगभग 40 लाख के आसपास। तो पैनिक स्टॉक भी कई सारे होते हैं और कई बार आपका पैसा अटक भी जाता है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और 1 महीने की चार्ट की बात की जाए, चार्ट पैटर्न आज भी आपको बुलिश देखने को मिला TTML का। और 1 महीने की बात की जाए 128 रुपए जो पर शेयर है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे। परसेंटेज की बात की जाए 95% आपको रिटर्न कमा के दिया, वो भी 1 महीने के अंदर, मतलब जो भी आपका फंड था उसको डबल बना दिया TTML ने, वो भी मात्र 1 महीने के अंदर। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मार्केट कैप है कंपनी का टाटा का, देखो TTML का भाई काफी जल्दी ग्रोथ होने वाला मार्केट बना, यहाँ पे देख सकते हो लगभग यहाँ पे 20,000 करोड़ के आसपास मार्केट था। अगर बात की जाए 2020 के आसपास में 20,000 करोड़ का मार्केट था, और आज की बात के लगभग आपको 50,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है TTML का वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप काफी बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो। लेकिन मंडे का दिन एक बात बताना चाहूंगा, जो मंडे का दिन होगा वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मंडे के दिन अगर कंपनी अपर सर्किट के साथ यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया तो मंडे टू फ्राइडे आपको अपर सर्किट में स्टॉक जाता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर अपर सर्किट में अगर स्टॉक चला गया तो 300-350 रुपए का जो टारगेट है कंपनी वो भी आपको अचीव करते हुए यहाँ पे दिखाई दे सकती है। अब बात कीजिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब मंडे को जो मार्केट है ओपन होगा तो भाई काफी कम जो शेयर है बाय, मतलब बाय किए जाएंगे, 2,40,000 के आसपास शेयर है। और अभी ना आज का दिन बाकी है, कल का दिन बाकी है, थोड़ा बहुत जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर है वो आपको और यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी जो खरीदारी करने का रेशियो वो आपको काफी कम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और भाई फ्राइडे के दिन भी काफी कम जो शेयर थे ट्रेड किए गए थे, ओनली फॉर 6,45,000 के आसपास जो शेयर थे वो ट्रेड किए गए थे। मतलब कई सारे इन्वेस्टर अभी भी इसमें लॉन्ग पीरियड का जो होल्डिंग बना रहे हैं, और फ्रेश एंट्री करने से भी कई सारे जो इन्वेस्टर शेयर होल्डर है वो यहाँ पे थोड़ा घबरा रहे हैं। भाई मैं भी आपको यही कहना चाहूंगा, फ्रेश एंट्री से थोड़ा आपको बचना चाहिए। तो कारण क्या है, अभी आपको इस बैठ के तमाशा देखना चाहिए मार्च तक, और कंपनी मार्च तक अगर ना, देखो मार्च में क्या आने वाला है, इनका सुपर ऐप आने वाला है, और कंपनी अगर वो टाइम तक अगर 5-5% का अगर अपर से लगा देती है, देखो पता नहीं लगाएगी, मतलब लगा पाएगी नहीं लगा पाएगी पता नहीं, क्योंकि क्या कारण क्या है, 10 रुपए से स्टॉक हमें आता हुआ दिखाई दे 260 रुपए के आसपास, अगर वहां तक भी अगर अपर से लगा दिया तो 1,200 या 1,200 रुपए के आसपास जो स्टॉक है वो आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है TTML का। और मार्केट सेंटीमेंट भाई काफी आपको फेवर में दिखाई दे रहा है TTML के, आज भी इनका मानना आपको बाय करके रखना चाहिए। अब एक स्टॉक में आपको बताने वाला जो टाटा का है, टाटा पावर।
भाई देखो, टाटा पावर पे बिल्कुल आपको फोकस बना के रखना चाहिए। ब्लाइंडली आंख बंद करके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है भाई। कई सारे जो इसके पॉजिटिव पॉइंट है वो आपको देखने को मिले टाटा पावर के, तो ये स्टॉक पे आपको बिल्कुल यहाँ पे फोकस बना के रख सकते हो आप लोग भाई। मैं मुझे लग रहा है टाटा पावर का भाई भविष्य काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तो वैसे वैसे हिंदुस्तान में जो पावर सेक्टर आएगा, तो टाटा पावर मुझे लगता है यहाँ पे पावर सेक्टर का यहाँ पे लीड करता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। और कार सेक्टर की बात करें, मारुति हमारे हिंदुस्तान को लीड करी, मारुति की बात की जाए, महिंद्रा की बात की जाए, तो कार सेक्टर में क्या गिने चुने 3 से 4 ब्रांड वो हमारे काफी है ना एक ना हाई लेवल पे आपको दिखाई देते हैं। और जिस प्रकार से पावर सेक्टर की बात की जाए तो टाटा पावर आपको काफी फेवर में आपको लगता है। और 6 महीने की रिटर्न की बात की भाई, 85% का रिटर्न आपको कमा के दे, वो भी मात्र आपको 6 महीने के अंदर ही अंदर। तो भाई वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करके जाना, आपका 1 लाइक से मुझे काफी मोटिवेट मिलता है। और TTML की अगर बात की, साथ में आपको भाई स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना चाहिए। जो कारण क्या होता है, ऐसे स्टॉक जब नीचे आएंगे सामने बायर नहीं मिलते, बायर गायब हो जाते हैं, तो ये सारे पॉइंट आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि आज आपका 25 लाख का फायदा हो रहा है, 50 लाख का फायदा हो रहा है, अब TTML में क्या चार्ट पैटर्न भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं तो मेरा तो हमेशा ही मानना होता है रैली का आपको फायदा उठाना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा रैली का भाई साहब आपको समझ में नहीं आ रहा TTML का कहां तक जाके रुकेगा, कहां पे रिवर्स आएगा, ये सारा भी हमें देखना काफी बाकी है। तो भाई हम तो ये चाहते भाई, हम तो ये तो बुलिश वाले मार्केट है, हमें लगता है भाई स्टॉक बस भागता रहे, आपका पैसा बनता रहे, हमारा बनता रहे। मैं चाहता हूँ 500 के आसपास चला जाए, लेकिन मार्केट भाई कुछ बोल नहीं सकते कब क्या हो जाए। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे जेन्युइन वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।